कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के नेता मोदी सरकार की जमकर आलोचना कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी का टारगेट केवल पीएम मोदी है, जबकि पीएम मोदी का टारगेट सिर्फ और सिर्फ देश का विकास है। लेकिन नरेंद्र मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर नाक रगड़कर माफी मांगते हैं और आज ढोंग करते हैं डरपोक ना होने का। वहीं स्मृति ईरानी ने भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर पलटवार किया। शब्द राहुल गांधी के है, संस्कार सोनिया गांधी का है, बस जबान युवा कांग्रेस की है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसीलिए कहती हूँ शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी के हैं, और जब तक ये दो हैं तब तक कांग्रेस का वो नेता जो प्रमोशन चाहेगा मुझ पर इस प्रकार की टिप्पणियां करता रहेगा। बता दें हाल ही में श्रीनिवास बीवी ने गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर ईरानी पर संगीन आरोप लगाए थे, साथ ही उनके पति अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया था।